काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां स्टोन क्रिसर संचालकन के ऊपर करोड़ों रुपया का जुर्माना ठोका गया है। बता दें कि अलग अलग मामले में एनजीटी के द्वारा 16 स्टोन क्रेशर पर बड़ी कार्रवाई की गई रही। ये तमाम स्टोन क्रेशर पर करोड़ों रुपया के जुर्माना लगावा गया है। धुंध क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम करते शुरू करते थे बड़ी खबर से। बता दें कि 5 महीना पहले एनजीटी के द्वारा 16 स्टोन क्रेशर के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई रही। लावे वाले तमाम स्टोन क्रेशर के ऊपर करोड़ों रुपया के जुर्माना लगावा गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 1 महीना में सबसे ज्यादा जुर्माना वसूले के निर्देश दिए गए हैं। राशि वसूल के जमा करवावे के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि 5 महीना बीत गए लेकिन 1 रुपया तक वसूला नहीं गया। नोटिस सहित राजस्व खनिज और जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी की मौजूदगी में करीब 44 स्टोन क्रेशर सीज किए गए हैं। एनजीटी के निर्देश पर प्रदूषण विभाग के पत्र पर वित्त विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। 22 स्टोन क्रेशर के बिजली काट दिए गए, जबकि प्रदूषण फैलावे वाले क्रेशर प्लांट के खिलाफ एनजीटी के द्वारा जुर्माना कार्रवाई गलाई की गई। 16 स्टोन क्रेशर संचालकन के ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगावा गया रहा। अधिवक्ता वी के माला के कामरा के 16 स्टोन क्रेशर संचालक के खिलाफ लगावा जाने वाला जुर्माना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा का वसूली करे के राशि एनजीटी के पास जमा करे का है। क्रेशर संचालक राशि जमा नहीं कर रहे हैं या न में उनके वसूली में करो रुचि ले रहे हैं। ऐसे में जुर्माना की राशि अगर जमा नहीं किए गए तो ऐसे लोगों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई हो जरूरी है। जे सब कुछ देख के कुछ न कह के एनजीटी के आदेश के अवहेलना कह रहे हैं। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे जाते प्रणाम।